हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और जब से ये ट्रेलर रिलीज हुआ है इसने काफी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो सबसे पहला जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो है व्यूइंग का। ओवरऑल सोशल मीडिया पे स्पाइडरमैन नो वे होम पर 355 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए हैं, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। जी हाँ, इससे पहले एवेंजर्स एंड गेम, उससे पहले एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, उससे पहले और भी काफी सारी मूवीज के रहे हैं। बट ओवरऑल तीन मार्वल्स की मूवी सबसे टॉप पर है, जिसमें कि स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर सबसे टॉप पर रहा है। अब ये मूवी रिलीज होने वाली है 17 दिसंबर 2021 में इसी साल, और देन सभी एक्साइटेड है कि इस मूवी में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, जिसमें कि हमें स्पाइडरवर्स भी देखने को मिल सकता है। बात करें इस मूवी की रनिंग टाइमिंग की, जो कि इस वीडियो का सबसे खास मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो रनिंग टाइमिंग है 2 घंटे 30 मिनट की। जी हाँ, ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि स्पाइडरमैन नो वे होम आपको थिएटर्स में 2 घंटे 30 मिनट की देखने को मिलेगी। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस अपडेट को लेकर, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और उसी के साथ गाइस, अगर स्पाइडरमैन की न्यूज आपको और भी जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे, उन्हें ये अपडेट जल्दी से जल्दी पता चले। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जा रहा हूँ।